ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिड रेंजर गाय को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वराज, आप देख रहे हैं मिड रेंजर गाय। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको जो इमेज है उसका बैकग्राउंड कैसे आप रिमूव कर पाएंगे, वो भी 5 सेकंड में विदाउट एनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर। यानी कि आप फोटोशॉप या पिक्सआर्ट को बिना यूज किए आपको जो इमेज है उसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर पाएंगे। लेकिन इसका कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, जो कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, मैं अपना जो पीसी पे आ चुका हूं, अपने लैपटॉप पे आ चुका हूं। और यहां पे हम लोग सिंपल जाएंगे यहां पे क्रोम ब्राउजर पे, आप किसी भी ब्राउजर में जा सकते हैं। मैं यहां पे क्रोम पे जाऊंगा और यहां पे हम लोग को सिंपली टाइप करना है remove.bg बोल के। यहाँ पे आ गया मेरा, मैं पहले से इसको ब्राउज किया था इसलिए आ गया remove.bg। यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये नया वेबसाइट खुल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट फोटो में आपको जाना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे 2 फोटो डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, तो पहले एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये बैकग्राउंड को रिमूव करता है। पहला वाला सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं इसको, तो यहाँ पे कुछ ये मांग रहा है, यहाँ पे वेरिफिकेशन मांग रहा है, यहाँ पे कर देते हैं ट्रैफिक लाइट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑटोमेटिक ये अपना जो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और बहुत बढ़िया तरीके से ये रिमूव किया है। आप यहाँ पे एजेस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने अच्छे तरीके से रिमूव करके दिया है हम लोगों को। विदाउट एनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर ये रिमूव हो गया है और 5 सेकंड के अंदर ही रिमूव हो चुका है। अभी ये दूसरा जो इमेज है उसको भी हम लोग अपलोड करते हैं और देखते हैं किस तरीके से उसको वो रिमूव करता है। यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा है, स्टोर फ्रंट मांग रहा है, हम लोग इसको दे देते हैं वेरीफाई। और ये भी हम लोग का होके आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये रिमूव करता है। देख सकते हैं कुछ छूट गया है, तो इसको हम लोग बाद में फोटोशॉप में एडिटिंग कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत रह गया है। लेकिन आप देखेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ बहुत डिटेलिंग में रिमूव किया है, आपको बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है। अगर आप फोटोशॉप में भी करेंगे ना तो इतना अच्छे से नहीं हो पाता है, कभी कभी आपको बहुत टाइमिंग वहाँ पे देना पड़ता है। आई थिंक ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है हम लोग के लिए बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। और यहाँ पे आपको URL का भी एक दिया गया है फीचर्स, यहाँ पे आप अपना जो URL देके यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। आपको को कहीं इमेज आप ड्राइव में रखे हैं या फिर आप क्लाउड में रखे हुए हैं तो उसको आप डाउनलोड ना करके डायरेक्ट यहाँ पे लिंक दे सकते हैं और आपका जो आउटपुट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देख लिया, ये बहुत ही सिंपल है। आपको बस वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे आपका जो इमेज है उसको अपलोड करना है या फिर आपको URL पेस्ट करना है और आपका जो इमेज का बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन इसका कुछ एडवांटेज है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो पहला जो इसका एडवांटेज की बात करते हैं, सबसे पहला यहाँ पे आपको ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपको बस 5 सेकंड लगेंगे आपका इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने में। दूसरा यहाँ पे एडवांटेज है, आपको एडिटिंग सीखना नहीं है, जैसे कि आप फोटोशॉप में एडिटिंग करते हैं, इमेज बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा चीज कुछ आना चाहिए, जैसे कि लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, क्विक सिलेक्शन टूल या फिर मैग्नेटिक इरेजर टूल, वो सब आना चाहिए, पता होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपका इमेज क्वालिटी क्या है और आपका बैकग्राउंड में क्या है, इसी को देख के आपका जो फोटोशॉप में आपको एडिटिंग करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी जरूरत नहीं है एडिटिंग की, बस आपको फोटो को अपलोड करना है, इमेज को अपलोड करना है या फिर URL को पेस्ट करना है और आपका काम हो जाएगा। और जो तीसरा एडवांटेज है, आप इसको किसी भी अपने डिवाइस पे यूज कर सकते हैं, या फिर फोन हो गया, टैबलेट हो गया या फिर हो गया आपका लैपटॉप। जैसे कि आप इंस्टा पे या फेसबुक की फोटो अपलोड करते हैं, उसको आप एडिटिंग करते हैं, तो उसके दौरान आप मैक्सिमम लोग अभी अपने फोन में फोटो लेते हैं और उसको एडिटिंग करके इंस्टा पे अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो फोटो है उसको आप वेबसाइट में अपलोड कर लीजिए, बैकग्राउंड को रिमूव करके आप एडिटिंग कर लीजिए और आसानी से आप यहाँ पे इंस्टा या फेसबुक पे अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत आपको जो टाइम है बहुत बच जाएगा, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि इसका इमेज का साइज है, अगर 8 MB से ज़्यादा है तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, ये 8 MB तक का सपोर्ट करता है, अगर 8 MB से कम है तो ये सपोर्ट कर लेगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको जो इमेज की फोरग्राउंड में एक इंसान होना चाहिए, यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट को आप रख के उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वेबसाइट है, ये AI बेस्ड काम करता है और AI को ऐसा समझाया गया है कि आपका जो फोरग्राउंड है वहाँ पे कोई एक इंसान होना चाहिए, यानी कि एक मेल या फिर फीमेल होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप रख के उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो ये रिमूव नहीं करेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो उसको बैकग्राउंड समझता है। तीसरा और मेन यहाँ पे डिसएडवांटेज है यहाँ पे ये है कि आपका जो इमेज क्वालिटी रहता है, यानी कि आप 7 MB का इमेज अपलोड करते हैं लेकिन आपको
जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आता है यहाँ पे 300 के बीगा या फिर 400 के बीगा, तो आपका जो इमेज का क्वालिटी यहाँ पे घट जाता है। अगर आप उसको जूम करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे जो ब्लर आने लग जाता है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपका साइज यहाँ पे घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे जो वेबसाइट है ये इसको यहाँ पे इंप्रूव कर रहा है, कुछ दिनों में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड, और यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो आपका इमेज क्वालिटी भी यहाँ पे कोई खराब नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।